सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त वरीय अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वही आज आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर में आज सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलने के निर्देश दिया गया है, वही इमरजेंसी सेवा को छोड़कर जिले में शनिवार और रविवार संपूर्ण दुकानें प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जिसमें इमरजेंसी सेवा और सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। अभी का बहुत बड़ी खबर अपडेट अभी आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला का है, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है, वही इमरजेंसी सेवा को छोड़कर और शनिवार और रविवार को संपूर्ण दुकानें बंद रहेगी। अभी का तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिला के समराले सभा कक्ष से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप प्रकाश न्यूज लाइव के फेसबुक पेज और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं यह खबर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक खबर आपको अपडेट मिलता रहे। आज हम लोग विशेष बैठक किए हैं कोरोना की स्थिति को लेकर के, उसमें जिले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए और उसमें निर्णय हुआ है कि हम लोग जो सभी दुकान और प्रतिष्ठान हैं हम लोगों के ज़िले में, उन सभी को 10 बजे से 5 बजे तक ही खोला जाए और उसके बाद की अवधि में बंद किया जाए, कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके, जैसे दूध है, मेडिसिन है, ये सब। दूसरा हुआ है कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सब बंद रखा जाए सभी दुकानों को, और कार्यालय भी जो शनिवार को खुलेंगे तो उसमें सिर्फ आंतरिक कामकाज हो, उसमें ये निर्णय हुआ है। और बाकी जो ज़िले में हम लोगों के मास्क का अभियान है, मास्क पहनने के लिए जो विशेष अभियान है उसको और तेज़ किया जाएगा, और उसका जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, अगर वो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उसमें अगर उल्लंघन होता है तो संबंधित ड्राइवर और गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके वाहन को जब्त किया जाएगा और फाइन भी की जाएगी अगर कोई भी पैसेंजर उसमें बिना मास्क का बैठा हुआ मिला तो। दूसरा, जो दुकान है या प्रतिष्ठान है उसमें संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राहक, सभी उनके स्टाफ मास्क पहन करके ही उसमें दुकान में प्रवेश करें रहें। बिना मास्क कोई ग्राहक भी दुकान में रहता है तो दुकानदार को जिम्मेदार मानते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें दुकान को सील भी करने की कार्रवाई की जाएगी, और अभी तक हम लोगों ने बड़े पैमाने पर किया भी है। इसके साथ साथ जो होटल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं वहाँ अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और 50 से कम संख्या में ही लोग रहेंगे, और जो लोग उसमें रहेंगे सभी लोग मास्क का उपयोग ज़रूर करेंगे, सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना चाहिए, ये भी हम लोगों ने कराया है। और सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो हमारे बाजार हैं वहाँ भी हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को मिला करके सभी 16 प्रखंडों में विशेष अभियान चलेगा मास्क के लिए, गाड़ी में भी और दुकानों में भी, बाज़ार में भी, और लोगों को अवेयर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से प्रयास यही है कि लॉकडाउन करने की स्थिति नहीं आए उसके पहले सभी लोग संभल जाएँ, और सब लोग काफ़ी जागरूक हुए भी हैं, और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे जो जानबूझ करके इस प्रकार का लापरवाही करते हैं। तो अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, तत्काल यही निर्णय हुआ है, फिर सोमवार को हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेंगे।